मोदी के परिवार का पोस्टर जारी किया है। यहां की उम्मीदवार, उन्हें गंभीरता समझनी होगी, ये देश का चुनाव है और मंडी के लोग उसे अपना सांसद चुनेंगे जो मंडी की आवाज, हिमाचल की आवाज दिल्ली तक पहुंचाए, दिल्ली की सत्ता को हिलाने का दम मंडी के सांसद में होना चाहिए। मंडी लोकसभा के लोगों के हक और अधिकारों को छीन कर लाने का दम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव गंभीर चुनाव है, ये कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है जिसकी शूटिंग की 10 कट अनकट कट करके 3 घंटे की मूवी रिलीज कर दी और फ्लॉप होगी तो कोई बात नहीं। यहां अगर ये 3 घंटे की मूवी नहीं, ये चुनाव है, ये भविष्य है, पूरे मंडी के भविष्य 5 साल का तय करेगा। यहां पर कट अनकट नहीं होगा, यहां पर मूवी फ्लॉप हो सकती है लेकिन मंडी फ्लॉप नहीं हो सकता है। मंडी को कामयाब करने के लिए जरूरी है कि यहां की महिला सांसद है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछकर जा रही हूं। सांसद की उम्मीदवार कंगना रनौत जी हार रही है स्मृति ईरानी अमेठी से और यहां पर जमानत जब्त होगी। कंगना रनौत अगर इस पे चुप रहोगी तो जमानत हार रही हो पर जमानत जब्त होगी कि एक बेटी होकर, ये भी किसी की बेटियां थी जो न्याय मांग रही हैं और भाजपा ने बेटी बचाओ के नारे के तहत आज ये किया है। मैं फिर कह रही हूं, मंडी के विकास की बात है, भविष्य की बात है, ऐसे किसी भी शख्स को वोट मत दीजिएगा जो सिर्फ एक कठपुतली पपेट बनाकर यहां पर बिठा दी गई हैं। क्योंकि 2 चीजें बताई जा रही थी कि किसी भी उम्मीदवार के लिए एक होता है कि वो चर्चा में बना रहे, चुनाव जीतने के लिए चर्चा में रहना जरूरी है, दूसरा भीड़ को खींचने वाला हो। तो सिर्फ ये 2 कारण देखेंगे कि हाँ ये चर्चा में भी बनी रहेंगी अपने बयानों की वजह से और भीड़ भी खींच लेंगी, सिर्फ 2 कारणों की वजह से उनको टिकट मिला है। लेकिन सिर्फ ये 2 कारण नहीं होते कि आप चर्चा में बने रहें और भीड़ को इकट्ठा कर पाएं, आपके पास रोड मैप भी होना चाहिए। इन 150 दिनों में 25 से 27 राज्यों के दौरे से मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि पूरे देश में कहीं पर भी भाजपा और मोदी की लहर नहीं है। 400 पार का दावा जुमला साबित होने जा रहा है जिसकी बात अब भाजपा खुद भी नहीं करती है। देश में अगर आप बात करेंगे, कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से 6 चरणों के चुनाव को कामयाबी से पूरा करके लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखने में कामयाब हुई और भाजपा जिसमें घिरती हुई दिखी है। मैं आम आदमी पार्टी की भी विधायक रही, स्वाति मालीवाल को मैं निजी तौर पर जानती हूं। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की 10 साल अध्यक्ष रही, राज्यसभा सांसद है, बहुत ही पढ़ी लिखी सशक्त महिला है, कानून के अपने हक अधिकारों को लेना न्याय कैसे होगा जानती, और मुझे पूरा विश्वास है स्वाति मालीवाल के साथ न्याय हो जाएगा। स्वाति मालीवाल की जैसी जानकारी आई, महिला आयोग सक्रिय हो गया, जो महिला आयोग ब्रजभूषण शरण के खिलाफ, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ, संदीप सिंह हासन तक नहीं गया, वो महिला आयोग सक्रिय हो गया। दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक की FIR नहीं ली, लेकिन इसी दिल्ली पुलिस ने 2 मिनट में FIR भी कर ली साक्षी मलिक की। 2 मिनट क्या, 2 दिन के अंदर अपराधी भी गिरफ्तार हो गया, साक्षी मलिक का आरोपी गिरफ्तार है लेकिन ब्रजभूषण शरण नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे स्वाति मालीवाल से ज्यादा चिंता आज साक्षी मलिक की है, मणिपुर की आदिवासी बेटियों की है, बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा करके लड्डू रहा डलवाकर उसके साथ अन्याय करने वालों की मुझे चिंता है।